वेलकम बज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है बहुत ही ज्यादा प्यारा सा पिंकी पिंकी ग्लिटरी आई मेकअप एंड ऑल्सो मैंने थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर भी रखा है सो गाइज आप चाहे तो कोई भी कलर का आई लाइनर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड अपनी आउटफिट से मैच कर सकते हो काफी ज्यादा सिंपल आई लुक है एंड काफी ज्यादा ब्यूटिफुल टर्न आउट हो गया है सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कैसे मैंने क्रिएट किया है देन प्लीज कीप और वॉचिंग सबसे पहले करेंगे इंटरनल हाइड्रेशन फिर करेंगे एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल हाइड्रेशन के लिए मैं ले रही हूँ मार्स का टेकअ ग्लो प्राइमर एंड गाइस ये प्राइमर इतना ज्यादा ग्लोई है ड्यूई है स्किन में हाइड्रेशन दे देता है तो सिर्फ थ्री पंप्स लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे थ्री पम्प्स एंड उसको अच्छे से अपने फेस में मैंने स्प्रेड कर लिया है मसाज कर लिया है एंड आप देखना कि अप्लाई करने के बाद ना स्किन में इतना प्यारा सा ग्लो आ जाता है इतनी सुंदर लगती है स्किन हेल्दी लगती है और ग्लोई लगती है तो एज अ बेस ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है एंड देन आई एम गोना टेक अ ब्रेक और थोड़ी सी मैं आप चॉकलेट खा रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में मीठे की होती है बहुत ज्यादा क्रेविंग मुझे ऐसा लगता है कि डेरी मिल्क वालों का आधा स्टॉक तो मैं ही खरीद रही हूं तो यहां पे मैं अपलाई करी इन इनसाइड का पोर फिलिंग प्राइमर अपने पोर्स के ऊपर मेरे नोज के ऊपर पोर्स है तो मैं वहां पे अप्लाई कर लूंगी ऑल्सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है ना तो उसको आप अपने चिन के ऊपर एंड फॉरहेड पर भी अप्लाई कर सकते हो तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों की बहुत ही कंप्लेट आती है कि आप हमें नहीं बताते हो कि क्या करना है तो गाइज अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप मैटिफाइंग प्राइमर अपने नोज पे चिन पे एंड फॉरहेड पे या जहां जहां पे भी, भी आपकी ऑयल आता है वहां पर अप्लाई कर लो देन मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर अपने अंडर आई सर्कल्स एक्टिव स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइट लेयर मैं यहाँ पे अपलाई करी हूं। बहुत ओवर प्रोडक्ट मैंने नहीं अप्लाई किया है बिल्कुल हल्का हल्का ये कंसीलर को मैंने अप्लाई किया है बिल्कुल थिन लेयर में ताकि मेरे फेस के ऊपर ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लगे एंड देन ब्रश की हेल्प से डैबिंग मोशन में अच्छे से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूंगी डैबिंग बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस स्वाइप मत करना स्वाइप करोगे आपको कवरेज नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा एंड एट दिस एंड फेस केकी हो जाएगा तो डैप डैप करोगे तो फेस केकी भी नहीं होगा एंड कवरेज भी मिल जाएगी आप देखो थोड़े से कंसीलर से मेरा फेस कितने अच्छे से कवर हो गया है एंड नाउ आई एम गोना टेक माय ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपका फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है तो गाइज़ मेरा फेवरेट फाउंडेशन है पैक का एच फाउंडेशन एक तो ये सारी स्किन टाइप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है मैंने यहाँ पे वन एंड हाफ पम्प लिया है अच्छे से उसको वार्म अप करना है ना ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है गाइज वार्म अप ज़रूर करना क्योंकि वैसे ही अब विंटर सीजन आ गया है विंटर में फाउंडेशन गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है एंड देन उसको फेस पे स्प्रेड कर लो अगर गाढ़े गाड़े, -गाड़े फाउंडेशन को आप ब्लेंड करोगे वो ब्लेंड ही नहीं होगा वो पैची बन जाएगा आपका फेस एकदम हैवी सा और केकी सा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो मेक श्योर sure अच्छे से इसको ब्लेंड आउट ज़रूर कर लेना ऑल्सो आप देखो मेरे फेस के ऊपर कितने ज़्यादा एक्ने हो गए हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरे हॉमोन इतने ज़्यादा इंबैलेंस ही हो गया मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा हो गया बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट पहले से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हैं एंड स्किन भी थोड़ी सी फ्लॉलेस हो गई है आई वुड से बट अभी थोड़ा सा मेरे यूजुअल सेटअप में बैठ के मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं बेड के ऊपर ही बैठ के बना रही हूँ और सब देखो मैं ना फाउंडेशन को अपने ईयर्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे ईयर भी एक ही टोन के लगे ऐसे अलग अलग सा ना लगे वो अजीब लगता है बहुत ज़्यादा देन मैं ले रही हूँ टू फेस का बॉन्डेस वे कंसीलर आपको अगर ये वाला नहीं लेना आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो मेरा शेड है इसके अंदर स्नो एंड इसकी हेल्प से ना मैं अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी तो मैं इसको अपने अंडर आइज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ बिटवीन माई फॉर हेड चिन तो जो भी हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं जैसे कि कॉन्टोर लाइन के नीचे एंड साइड ऑफ़ माउथ पे भी अपने लिप्स के नीचे अगर आप अप्लाई करते हो ऑल्सो आप देखो मैंने साइड ऑफ आइज पे भी कैसे अप्लाई किया है इससे ना फेस लिफ्ट का बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है एंड ब्लेंड करते टाइम ना आप देखना मैं कॉन्ट्रोल लाइन वाला कैसे ब्लेंड कर रही हूँ पहले मैं उसकी एजेस को नीचे की तरफ अच्छे से मर्ज कर रही हूँ स्किन के साथ ताकि कहीं से भी हार्श लाइन ना दिखे एंड देन जो लाइन है ना ऊपर की उसके ऊपर मैं ब्रश को जस्ट ऐसे चला रही हूँ ताकि वो मेरे फेस के साथ मर्ज हो जाए एंड चिन वाले को मैंने डैबिंग मोशन में ब्लेंड किया डैब 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 करके अच्छे से वो ब्लेंड आउट हो जाएगा एंड जो मैंने लिप्स के नीचे अप्लाई किया अगेन उसको भी डैबिंग मोशन में ही करना है बट मेक श्योर कि थोड़ा सा ना अपवर्ड डायरेक्शन में करना ताकि थोड़ा सा फेस लिफ्ट का इफेक्ट मिले एंड फॉरहेड वाले को भी पहले सेंटर से ब्लेंड करके उसकी एजेस को मैं फॉरहेड के साथ मर्ज रही हूँ ताकि अलग से से लाइन ही ना दिखे एंड अगेन साइड ऑफ आइज़ वाले को भी मैंने सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लेंड किया है तो अपवर्ड करने से ना आपको फेस लिफ्ट मिलता है आपको आपकी आईज ऐसे ढलकी हुई सी या फिर ड्रूपी नहीं लगती हैं फेस लिफ्ट मिलता है एंड अंडर आइस के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा साइड ऑफ आइस पे अप्लाई किया था ना ताकि मेरी नोज़ पतली लगे तो जब अगर आपकी नोज़ ब्रॉड है तो आप अपनी नोज़ के साइड पे लाइट कलर अप्लाई करोगे ना तो वो कॉन्टोरिंग का इफेक्ट मिलता है रिवर्स कॉन्टोरिंग कहते हैं इसको सेम ब्रश जिसे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था ना उसकी हेल्प से मैं सब कुछ अच्छे से मर्च कर लूँगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंसीलर की ना अलग से ऐसे लाइन्स ही दिखती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो अच्छे से डैबिंग मोशन में सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ना ब्रश को बिल्कुल स्वाइप नहीं करना है डैबिंग ही करनी है ओके okay, अब मैं ले रही हूं मेवलिन का फिट मी पाउडर ये पाउडर तो बहुत ही अच्छा है मेरा शेड है इसमें फिफ्टीन लाइट ये लाइटेस्ट शेड है इंडिया में बट स्टिल आप देखो हल्का सा ना ये मेरी स्किन के लिए पीच हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा पीच टोन में है ये तो भी आप देखो क्योंकि मेरा बेस मेकअप थोड़ा सा मुझे ज्यादा लाइट लग रहा था गोरा गोरा ज्यादा लग रहा था फेस मेरा तो इसलिए मैं ये वाला पाउडर अपलाई करी ताकि वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए मेरी नेचुरल स्किन टोन का हो जाए क्योंकि आप देखो पाउडर अप्लाई करने के बाद ना मेरी नेक से वो अच्छे से मैच करने लग जाएगा तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका बेस मेकअप लाइट ज्यादा हो गया तो अब थोड़ा सा डार्क कलर का पाउडर अप्लाई कर लो उससे बैलेंस आउट हो जाएगा ओके okay, अब मैं अपने आईब्रोज को क्विकली फिल कर लूंगी मैं ले रही हूँ ये बेनिफिट का गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल पहले स्पूली की हेल्प से ब्रश आउट कर लूंगी एंड देन जो भी स्पार्स एरियाज हैं जो भी गैप्स हैं मेरे आईब्रोज में उसको फिल करूंगी दैट्स इट बहुत ज्यादा कुछ ओवर फिल नहीं कर रही मैं यहाँ पे एंड देन मैं यहाँ पे मार्स की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ काफ़ी ज्यादा प्रिटी पैलेट है ये एंड इसमें से ये पिंकी न्यूड मोवी सा कलर है काफी प्यारा सा कलर बहुत क्यूट कलर है ये तो इस कलर को मैं एज अ ट्रांजिशन अप्लाई करूंगी अपनी क्रीस में एंड अपनी क्रीस से ऊपर सो पहले क्रीस में कलर को मैंने ऐसे करके डिपॉजिट कर लिया एंड देन सर्कुलर मोशन में एंड विंडशील्ड वाइपर मोशन में उसको मैं ब्लेंड आउट कर लूंगी एज अ ट्रांजिशन कलर सो बेसिकली ट्रांजिशन कलर वो कलर होता है जो आपकी आई मेकअप का एंड वाला लास्ट कलर होता है इसके ऊपर आपको कोई कलर नहीं अप्लाई करना देन मैं ले रही हूँ हल्का सा और डीप कलर डार्क कलर है ये थोड़ा सा मॉफ कलर से एंड इसको मैं डायरेक्टली अपनी क्रीस के अंदर अप्लाई करूंगी तो डार्क कलर अप्लाई करने से मुझे वहाँ पे डेप्थ मिलेगी मेरी क्रीस थोड़ी सी गहरी लगेगी एंड अगेन सेम कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी ताकि अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन में कनेक्शन आ जाए कनेक्टिविटी आ जाए मेरे आइज़ में ऐसे अलग अलग सा ना लगे एंड देन ये सेंटर वाला प्यारा सा रोज गोल्ड शिमरी शेड को लेके मैं अपनी इंटायर आईलेट के ऊपर अप्लाई करूंगी गाइस ये आई लुक बहुत ही सिंपल है इसको कोई भी क्रिएट कर सकता है जस्ट आपको ये सेम स्टेप्स को फॉलो करना है एंड आप आराम से इस लुक को क्रिएट कर लोगे बहुत सिंपल है बट बहुत ही प्रिटी लगता है एंड मैंने ये मार्स का ग्लिटर पैलेट लिया है इसमें से ये पिंक वाला ग्लिटर शेड ले रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्यूट सा कलर है ये एंड इसको मैं अपनी इंटायर आईलेट के ऊपर अप्लाई करूंगी अच्छे से ग्लिटर को हमेशा डाप डाप करके अप्लाई करना एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ हिलरी रोडा का ब्लू कलर का आई लाइनर यह आई लाइनर बड़ा ज्यादा सुंदर है और मुझे ऐसा लगा कि पिंक के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर कोई और कलर का करना आप कोई और भी कर सकते हो अगर ब्लैक करना ब्लैक भी कर सकते हो अगर आपको लाइक कलरफुल लाइनर्स नहीं पसंद तो एंड मैंने यहाँ पे छोटी सी विंग ड्रॉ करी है एंड इन साइड का काजल लेके मैं ऐसे करके इसको टाइट लाइन कर लूँगी अगर मैं आंखें बंद करके अप्लाई करती हूँ ना तो वो मेरी अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन दोनों में लग जाता है देन सेम डार्क वाले कलर की हेल्प से मैं अपने काजल को स्मज आउट कर लूँगी एंड स्मज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्मजर ब्रश लिया है बहुत ही टाइनी सा छोटा सा ब्रश है ये एंड देन जो हमारा लाइटेस्ट कलर था जो हमने सबसे पहले अप्लाई किया था उसकी हेल्प से मैं काजल को और ज़्यादा समझ करूंगी ताकि एक फेडेड सा इफेक्ट आ जाए तो ये जो लाइनर है बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है तो आपको इसकी दो कोट अप्लाई करनी पड़ती है तो इसलिए मैं आप सेकेंड कोट अप्लाई कर रही हूँ एंड मार्स के हाइलाइटर की, की हेल्प से मैंने अपने इनर कॉर्नर और ब्राउबून को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है दिस इज द आई मेकअप गाइज है मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी एंड फॉल्स आई लाइस अप्लाई करके आई बी राइट बैक ओके सर नाइम टेकिंग द शुगर कॉन्ट्रोल द फोर्स इन द शेड टॉप टॉपर अच्छे से फेस को जॉ लाइन को और नोज को मैं कॉन्ट्रोल करूंगी क्योंकि अभी आजकल मेरा फेस बहुत ज़्यादा मोटू मोटू सा हो गया है तो उसको स्ट्रक्चर देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो मैंने अच्छे से कॉन्ट्रोंग कर ली यहाँ पे एंड देन मेब्लिन का फिटमी ब्लश ले रही हूँ दिस इज इन द शेड प्राउड बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मोवी टोन पिंकी सा कलर है इट लुक्स रियली प्रिटी ऑन द फेस तो मैं अच्छे से अपने चीक्स के ऊपर भी अप्लाई करूंगी अपने चिन पे भी अप्लाई करूंगी नोज पे भी अप्लाई करूंगी आप चाहे तो ब्लशिज के साथ ओवर डू हो सकते हो अगर आपका आई मेकअप और लिप्स सिंपल है अगर आपका आई मेकअप और लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी है ना तो अपना ब्लश ज़्यादा मत अप्लाई करना बट अगर लाइट लाइट है तो आप कर सकते हो एंड देन अगेन सेम मार्स के हाईलाइटर की हेल्प से मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी सबसे पहले तो आप इस हाईलाइटर को देख लो इतना ज़्यादा सुंदर है बड़ा प्यारा है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है मतलब इस प्राइस में आपको ऐसी क्वालिटी का हाईलाइटर मिल रहा है ना तो ये बहुत ही बढ़िया बात है तो अच्छे से अपने फेस को अपनी चीक्स को हाईलाइट कर लूंगी एंड देन अपनी टिप ऑफ नोज ब्रिज ऑफ नोज एंड फॉरहेड के ऊपर भी तो जो जो हमारे हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं पहले मैंने वहाँ पे अच्छे से हाईलाइटर को प्लेस करा है। अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया अभी जस्ट उसको प्लेस किया अच्छे से एंड देन अपने ब्लश ब्रश की हेल्प से जिसे मैंने ब्लश अप्लाई किया था उसकी हेल्प से सारे हाई को मैं अच्छे से स्किन में मर्ज कर लूंगी ताकि कहीं से भी हाई की ना लाइन सी ना लगे क्योंकि अगर हम उसको मर्ज नहीं करते ना तो हाई अलग से ऐसे लाइन सी दिखती है और जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती नेचुरल नहीं लगती एंड देन पैक के लिप लाइनर इन द शेड मॉफ की हेल्प से मैं अपने लिप्स को लाइन करूंगी अच्छे से हल्का सा मैं ओवरलाइन करती हूँ गाइस बहुत ज्यादा ओवरलाइन नहीं करती बिल्कुल हल्का सा ओवरलाइन कर लूंगी एंड देन हम कहना अप्लाई मैक लिपस्टिक इन द शेड कॉजमो अच्छे से मैं इसको अपने अप्लाई कर लूंगी बहुत ही प्रिटी सा पिंकी न्यूट कलर है हल्की सी इसमें पीछे और ब्राउनी टोन्स भी आती है जो की टोन में प्रन टेक स्विस्ट ब्यूटी इसकी हेल्प से मैं अपने लिप्स को और ज्यादा ग्लॉसी करूंगी अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे लिप ग्लॉस को भी स्किप कर सकते हो एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस एंड आई रियली होप की आपको मेरा लुक अच्छा लग रहा होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो नॉट फोरगेट टू गिव अब बिग थम्स अप कमेंट करके जरूर बताना की आपको मेरा लुक कैसा लगा And I will see you guys in my next video. Bye, guys.